ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूर्णमी मकर राशि के अष्टम स्थान में पूर्णमी हो रहा है और इस पूर्णमी पूर्ण चंद्रमा के ऊपर वर्तमान समय में दृष्टि शनि बाबा का है, सूर्य का है, मंगल का अष्टम दृष्टि है और यहां से अष्टम में राहु है। चंद्रमा का यह पूर्णमी, आप जैसे जानते हैं कि पूर्णमी और अमावस्या व्यक्ति विशेष के अंदर, सभी के अंदर कम ज्यादा इफेक्ट डालता है। और जैसे लास्ट टाइम मैं मकर राशि के ऊपर अमावस्या का वीडियो बनाया था और उसका इम्पैक्ट इफेक्ट बहुत सारे लोगों को हुआ भी, तो इस समय यह पूर्णिमा सबसे पहला और ज्यादा इफेक्ट सिंह राशि और कन्या राशि के ऊपर आने वाला है और इनको सबसे ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए। इस पूर्णिमा में मुख्यतः जो कंडीशन बना है, एक तो चोर चपेट एक्सीडेंट, मानसिक कर्म में बाधाएं और एक प्रकार के एक नेगेटिव कंडीशन बिल्डअप यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या नेगेटिव हो सकता है देखना, कल का दिन बहुत सारे एक्सीडेंट का खबर मिलेंगे इस पूर्णिमा में, कुछ लोग भाग जाने का इंपैक्ट इसमें दिखाई देगा। मानसिक सदमाएं इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ नया लोग आएंगे, कुछ नया लोग, कुछ पुराने लोग भाग जाएंगे। इस पूर्णिमा में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है कार्मिक बाधा और नेक्स्ट विषय बिंदु यहाँ पर ये जो पूर्णिमा होने वाला है, पूर्णिमा का इम्पैक्ट 24 तारीख से चालू हो जाएगा और 25 तारीख कन्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी ये कुंभ राशि में सूर्य भगवान है, सप्तम स्थान सिंह राशि, मघा पूर्वा फाल्गुनी, सिंह उत्तरा फाल्गुनी कन्या तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। एक लंबा 2.5 दिन तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। आवेश आने का संभावना सबसे ज्यादा सिंह राशि के ऊपर है। कन्या का द्वादश क्षेत्र में है तो ढेर सारे नुकसान का इम्पैक्ट रहेगा, ये ऑलरेडी आज का राशिफल में बता दिया हूं। मकर राशि वालों को कई प्रकार के भूत प्रेत जैसे आवेश आना, फेंट होना, फेट्स आना, सबको नहीं, कुछ लोगों को इस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ लोगों को लग सकता है छाती में कोई चढ़ गया, दबा दिया ऐसे। और इस लेकिन ये अष्टम का पूर्णिमा को अगर साध लेते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे पहला, अचानक धन प्राप्ति। और इस पूर्णिमा को लक्ष्मी का साधना अत्यंत उत्तम रहेगा और इसका जो मानसिक स्तर पे इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही इमोशनल, हाँ यही बोलना चाहता था, यही बोलना चाहता था, अनकंट्रोल्ड इमोशन, किसको क्या बोले समझ में नहीं आएगा, क्रोध बढ़ा हुआ रहेगा और उग्रता के कारण किसी को कुछ बोल दिए और बाद में पछताए। मन त्रयंद में, द्वंद में, चतुर्द्वंद में ज्यादा पड़ सकता है। निर्णय लेने का क्षमता में कमी हो सकता है
और कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जिसके लिए लंबे समय तक पछतावा आ सकता है। ये मकर के अष्टम कन्या के द्वादश, इनको ज्यादा इंपैक्ट। मेष के पंचम में तो एक्सीडेंटल इंपैक्ट, घात चंद्र योग का इफेक्ट दिखाई देने वाला है, तो इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। और ये धनु के लिए नवम स्थान में होना तो कुछ प्रकार के रोग के प्रारंभ करा दे सकता है। कर्क का द्वितीय स्थान में होना तो धन, वाणी और परिवार में कुछ ना कुछ बात विवाद बिल्डअप हो सकता है। और यह पूर्णिमा वृष राशि के चतुर्थ स्थान होने के कारण माता के ऊपर, आपके माँ के ऊपर इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव भी दे आ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आवेश का आना और अति उग्रता बनना। गाड़ी सावधानी से चलाएं, बड़े सारे एक्सीडेंट का प्रभाव होने का संभावना है। जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एक बढ़िया समय यह है धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो माता लक्ष्मी का हवन जरूर करा लेना चाहिए, स्पेशल हवन करना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसका हवन ये पूरा 2.5 दिन कर सकते हैं, और शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों का हवन कर सकते हैं। ज्यादातर इसका जो परफेक्ट डेट है वो 25 सोमवार को ही पड़ रहा है, जहां कॉन्साइड करेगा सिख सूर्य के साथ। लेकिन शनिवार से भी माता रानी का और सोमवार से भी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जिसका इस समय चंद्र का दशा अंतर्दशा हो रहा है या शनि में चंद्र का अंतर्दशा है, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और चंद्रमा का मंत्र जरूर करिए। चंद्रमा का वैदिक, तांत्रिक और गायत्री का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के माता भुवनेश्वरी इष्ट देवी और माँ लक्ष्मी चंद्रमा के लिए इसका जरूर श्री यंत्र, श्री युक्त सुप्त श्री यंत्र का साधना भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।